Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. Children, this is our first video of chapter 6, Our Food. Before starting our video and class, that I am requesting to all of you, kindly watch the video of chapters carefully, as I have seen many of you have not watched. You will miss things if you don't watch the video. Okay, आप videos को properly watch कीजिए और आपके one chapter के 3 videos send किए जाते हैं. Just like ये जो chapter 6 है, इसका मैं 3 video आपको send करूँगी. तो आपको वो 3 videos पूरा beginning to end तक देखना है. अगर आप नहीं देखोगे, तो आपकी study कैसे proper हो पाएगी? तो आप अपने सारे सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स इंग्लिश ईवीएस हिंदी उन सब के वीडियोस प्रॉपर्ली वॉच किया कीजिए ओके क्योंकि आपकी मैम आपको बहुत सारी बातें बताती हैं ना तो आप उसे बैठिए और अपने पेरेंट्स के साथ में उसको देखिए और उनकी हेल्प लीजिए ओके चिल्ड्रन सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 6 That is our food. Food means क्या होता है? खाना, भोजन, जो हम eat करते हैं. तो हम food क्यों eat करते हैं? Because of it helps us in growth. It helps us to prevent from the disease. Disease से हमें बचाता है. और क्या करता है? हमारे बोन्स और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है जब हम अच्छी फूड ईट करते हैं जो न्यूट्रिशंस वाले फूड होते हैं तो इससे हमारे बोन्स और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं हमें ये ग्रो करने में हेल्प करता है हेल्दी बनाता है एनर्जी देता है तो फूड ईट करना है तो जितने भी डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं वो सभी को ईट करना है ये नहीं कि आई डोंट लाइक इट आप लोग करते हो ना मम्मा मुझे ये नहीं पसंद है तो ऐसा आपको नहीं बोलना है आप जितने भी फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं जो आपकी मम्मा आपको देती हैं वो सभी ईट कीजिए और आपके चैप्टर में जो फूड आइटम्स दिखाए जा रहे हैं उसे भी आप अपने पेरेंट्स से बोल करके अगर वो मिल सकता है तो उसे मंगवाइए और ईट करिए ओके चिल्ड्रन वी ऑल नीड फूड We need food to get energy to work and play. Food हमें energy देता है खेलने के लिए और play करने के लिए. Work and play. ठीक है? कुछ काम करना है तो हमें उससे किससे मिलता है? Food eat करने से ही मिलता है ना? कोई काम करना होता है जब हम बहुत लंबे time तक कोई काम कर रहे होते हैं मान लो 1 hour 2 hour तो क्या होता है हम tired feel करने लगते हैं हम थक जाते हैं तो जब हम कुछ eat करते हैं तो हमें वापस फिर से क्या मिल जाती है energy मिलती है second become strong and healthy हम लोगों को strong और healthy भी बनाता है and third is grow means बढ़ने में भी help करता है okay अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ईट करोगे तो आपकी हाइट भी नहीं ग्रो होगी आपका बॉडी नहीं अच्छे से ग्रो हो पाएगा इसलिए आपको सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स ईट करना है ओके वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोगों को फूड आइटम्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से और एनिमल्स से ओके फूड फ्रॉम प्लांट्स प्लांट्स से क्या क्या मिलता है हम लोगों को वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स हम लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलता है प्लांट्स से इस तरह के प्लांट्स होते हैं ना और ये देखो यहाँ पे वीट है हियर इज राइस ये अभी आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ से कैसे वीट इसमें से निकलेगा वीट मीन्स गेहूँ जिसकी आपकी मम्मी चपाती बनाती हैं है ना तो इसमें से ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट यहाँ से वीट निकलता है
फिर वो उसका क्या बनता है, व्हीट फ्लोर बनता है, और फिर उसके बाद आपकी मम्मी उसका चपाती बनाती है, वैसे ही राइस में भी है। तो ये सारी चीज़ें और वेजिटेबल्स, ये भी हम लोगों को प्लांट्स से मिलता है। वी ऑल्सो गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज। ओके, ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स मीन्स अनाज। तो इस तरह की चीज़ें हमें प्लांट्स से ही मिलती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल तो आप जानते ही हो, फ्रूट जो ट्रीज आप लोगों ने देखा होगा, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, इस तरह से फ्रूट्स हम लोगों को उनसे मिलता, बनाना ट्री। और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के भी प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो उससे यानी कि वो भी एक प्लांट से ही मिल रहा है। फ्रूट हम लोगों को प्लांट से क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज। ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं। वी गेट मीट, मिल्क, एग एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। हम लोगों को मीट, मिल्क, एग, फिश, ये सारी चीज़ें एनिमल्स से मिलती है। वी मेक बटर, चीज़, घी एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क से क्या क्या बनता है, चीज़, बटर, घी, ये सारा आइटम भी किससे बन रहा है, मिल्क से ही बन रहा है। और मिल्क किससे मिल रहा है, एनिमल्स से, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, है ना, इनके मिल्क हम लोगों के घर तक आते हैं और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें अपने मम्मा से बनवाते हैं, है ना। आप लोगों को मिल्क तो ज़रूर पसंद होगा, आई होप यू ऑल आर ड्रिंकिंग मिल्क। मिल्क तो ज़रूर आपको ड्रिंक करना है, एटलीस्ट 1 glass ऑफ मिल्क डेली यू हैव टू ड्रिंक, एटलीस्ट मतलब 1 glass तो ड्रिंक करना ही है। और अगर 2 times मिलता है तो भी आप उसे ज़रूर ड्रिंक कीजिए उसमें। और जो मार्केट से आते हैं कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, जो भी आपको पसंद है उसमें अपनी मम्मा को बोलिए ऐड करने के लिए और वो आप ड्रिंक करिए। ओके, मिल्क इज़ कम्प्लीट फूड। ये जो है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा फूड आइटम है, ये एकदम कम्प्लीट फूड है। तो हम लोगों को डेली मिल्क ज़रूर पीना है। ओके, यहाँ देखो डू यू नो में भी इसे लिखा हुआ है, 2 glasses ऑफ मिल्क, 2 glass, ठीक है ना। अगर 2 glass मिल रहा है तो आप ड्रिंक करो, अगर नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो 1 glass तो आपको कंपल्सरी ड्रिंक करना है। एंड दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स ऑल्सो यू हैव टू ईट। इस तरह से चीज़ें जो भी हैं ये आप देख सकते हो, बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम है, हियर इज प्रोटेक्टिव फूड आइटम जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाता है, एंड एनर्जी गिविंग फूड्स। सो जस्ट ईट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।